हेलो भाई, मैं हूं आसिफ सुभानी और सामने आपके खड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर भाई, ब्लैक कलर में, यानी ब्लैक बीस्ट। मतलब फॉर्च्यूनर के टोयोटा वाले कितने भी पैसे ले ले, बंदा के पास अगर फॉर्च्यूनर का बजट है 50-40 लाख रुपए है भाई, तो बंदा जाएगा कहाँ जाएगा भाई? फॉर्च्यूनर की तरफ जाएगा। बेशक से फीचर्स कुछ भी ना मिलता हो वो अपने जगह, लेकिन भाई गाड़ी की जो रुतबा है वो अपने जगह। तो ये जो आपके सामने खड़ी है ये है अपनी 4x4 मैनुअल वाली, क्योंकि आप जो इसकी अलॉय व्हील है वो देखकर समझ गए होगे कि ये 4x4 है। नॉर्मल रहता है तो भाई 1 इंच छोटा आता है, यानी 17 इंच का आता है, और डायमंड कट अलॉय व्हील आता है, और ये आता है अपना 18 इंच के व्हील साइज के साथ। तो ये लेने जाते हो तो इसके लिए आपको एक शोरूम देने पड़ते हैं 38,93,000 रुपये, और ऑन रोड चली जाती है 46,19,000 रुपये के करीब अपने पटना बिहार में। मतलब कोई से भी फॉर्च्यूनर उठा लो भाई, आपको 40 से 50 लाख रुपए के बीच में ही मिलेंगे, बल्कि लेजेंडर लेते हो तो और ऊपर चले जाते हैं भाई। फीचर्स क्या मिल रहे हैं आज के डेट 2023 मई जून के मंथ में, वो चीज़ देखने वाले हैं। एक दो फीचर्स जो है वो भाई मार्च के महीने में ना कट किए गए हैं, मतलब भाई बंदे जो है फीचर्स खोजते हैं और टोयोटा वाले जो है फीचर्स को कम कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं सारे फीचर्स। सबसे पहले फ्रंट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर काफ़ी दमदार लुक, तो वैसे कोई शिकायत है नहीं गाड़ी के लुक्स डिज़ाइन को लेके। यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर में हेडलैम्प, बहुत अच्छा लाइट है, बहुत वाइट कलर की लाइट यानी एलईडी वाली मिल जाती है। नीचे साइड में भी आपके डीआरएल ऑन होंगे जब आपके इंजन स्टार्ट होगा। बाकी नीचे साइड में तो आपको यहाँ पर भी डीआरएल मिल जाते हैं, इंडिकेटर आपके इसी में जलते हैं। ये हो गए अपने फॉग लैम्प एलईडी वाले, मतलब सारा जो लाइट का यहाँ पर आपको सेटअप मिलने वाला है टोटल ना एलईडी वाला मिलने वाला है। फ्रंट में इस जगह एक पार्किंग सेंसर मिल जाता है और दूसरा आपको पार्किंग सेंसर इस कॉर्नर पर मिलता है। तो दो आपको फ्रंट साइड में पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। स्किड प्लेट सिल्वर कलर के मिलेंगे। साइड में आ जाओ, वैसे इस जगह क्रोम कलर मिल जाता है, पियानो ब्लैक कलर का ग्रिल, टोयोटा का काफ़ी बड़े से साइज का लोगो मिलता है। साइड में आते हो तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि एसयूवी सेगमेंट की है, खासकर 4x4 है, तो भाई ऑफ रोडिंग तो बंदे करते ही हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस 225 mm का अच्छा खासा ऊंचा सा गाड़ी आपको मिलता है। ये देखो अटकने वटकने का भाई कोई डर नहीं है। जहां बात करते हैं टायर प्रोफाइल की, तो ये अपना है 265/2, ये कहां गया भाई टायर प्रोफाइल इसका टायर प्रोफाइल, हाँ यहां पर देखो 265/60 R18 इंच का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक कैलीपर मिल जाता है भाई, ये देख रहे हो यार, यही सारा जो चीज़ है ना अपना ऑफ रोडिंग में करता है हेल्प, जो गैप वैप आपको यहाँ पर मिलता है। पीछे साइड में भी आपको डिस्क ब्रेक कैलीपर मिल जाएगा। अंदर साइड इन करने के लिए फुट स्टेप मिल जाएंगे। डोर हैंडल्स आपको क्रोम कलर के मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर भी मिल जाएंगे। ये हो गया अपना ORVM, इस जगह आपको इंडिकेटर मिलेगा, और नीचे साइड में भाई नॉर्मल हैलोजन वाला पेडल लैंप मिलता है। और जो काफ़ी इस गाड़ी के लुक को बढ़ा देता है वो है भाई यहाँ से जो क्रोम कलर की पट्टी स्टार्ट होती है वो पीछे साइड से, भाई चलते हुए मालूम है कहाँ ख़त्म होती है भाई, इस वाले ORVM पर, यानी यहाँ पर आकर के होती है द एंड। बाकी देख लो गाड़ी लंबाई चौड़ाई, बहुत बोल्ड मस्कुलर लुक है यार। रोड प्रेजेंस जो है ना, हज़ार आ जाए Scorpio N, चाहे कोई से भी गाड़ी आ जाए भाई, ये गाड़ी की बीट करना भाई मुश्किल है। टोयोटा का यहाँ पर लोगो मिल जाता है, फॉर्च्यूनर क्रोम कलर के पट्टी के ऊपर लिखा हुआ मिल जाता है। ये है अपना 4x4, तो भाई सिग्मा 4 का बैज भी जाता है मिल। टेल लैंप आपको पूरा ये चीज़ एलईडी वाला मिलता है, इंडिकेटर एलईडी वाला हो गया, लेकिन रिवर्स लाइट जो ये आपको नॉर्मल हैलोजन वाला मिलता है। रियर वाइपर हो गए, डिफॉगर हो गए, हाई मोटर स्टॉप लैंप, स्पॉयलर, शार्क फिन एंटीना, ये सारे चीज़, तो मतलब बाहर साइड से जो जो फीचर्स मिलना चाहिए ना सारे चीज़ मिल जाते हैं। पीछे साइड में टोटल आपको 4 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं भाई, कमी मालूम है क्या रह जाती है इतनी हाथी जैसी बड़ी सी साइज़ की गाड़ी में भाई। 360 कैमरा ये चीज़ मिल जाता ना इस फॉर्च्यूनर में तो भाई बहुत सुख मिल जाता, क्योंकि इसे पार्क वार्क करने में ना बहुत मुश्किल होता है यार। बूट स्पेस यहाँ पर अगर आपका ये वाला सीट भी उठा हुआ है तो अच्छा खासा फिर भी रह जाता है। 7-सीटर अगर आप कार देख रहे हो तो इतना स्पेस जल्दी किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है, एक हुक यहाँ पर हो गया, इस सीट को आप फोल्ड अनफोल्ड भी कर सकते हो। वैसे ये चीज़ तो आपका देखा हुआ, वैसे यहाँ पर पहले देख लो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, इसको आपको फोल्ड करना है तो ऐसे करो भाई। पीछे साइड का ना
वेंट्स जो है वो भाई चालू है, इसको थोड़े देर में बंद करते हैं। इसे भी आपको फोल्ड करना तो ऐसे फोल्ड कर दो, बाकी ऊपर साइड इस तरीके से ये जाता है घूम, ये भी जाता है घूम। एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, लाइट वाइट सारा चीज़ मिल जाता है भाई, ग्रैब हैंडल से मिल जाते हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए। अब इसे करते हैं बंद, तो बंद ऐसे ऐसे ना आप चाबी से भी इसे बंद कर पाओगे, मतलब सिस्टम मिल जाता है। हाँ, अंदर साइड पैर वाला जो चीज़ है वो देखने को नहीं मिलेगा। चाबी आपको कुछ ऐसा सा मिल जाता है, गाड़ी आपको लॉक करना है, गाड़ी लॉक करो, गाड़ी आपको अनलॉक करना है, गाड़ी अनलॉक करो, ये हो गया लॉक, ये हो गया अपना अनलॉक। और नीचे साइड में मिल जाता है टेलगेट अनलॉक या फिर ओपन करने से रिलेटेड, क्योंकि इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है, वो चीज़ आपने देख ही लिया। पीछे साइड में फॉर्च्यूनर लिखा हुआ मिलता है और बना हुआ थोड़ा जो है डिज़ाइन विज़ाइन मिल जाता है। अब गाड़ी आप जैसे ही अनलॉक करते हो तो यही है पेडल लैंप अपना ऑन हो जाता है, जो है नॉर्मल हैलोजन वाला। आ जाओ इस जगह, तो यहाँ पर आपको जो भाई फीचर्स मिलते हैं, सबसे जो टोयोटा वालों के अच्छी चीज़ लगती है वो लगती है इनके चारों विंडो के कंट्रोल्स। आपको वन टच अप, वन टच डाउन सारा चीज़ मिल जाता है, मतलब एक बार में ही आप ऐसे ऐसे करो और ऐसे करो, ये देख रहे हो पूरा रोल अप होकर के आपका भाई काम कम मेहनत में कर देता है पूरा। ये चीज़ अपना लेदर मिल जा रहा है जो इतना साफ देख रहे हो, बाकी टोटल जगह हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। डोर लीवर हो गया, स्पीकर मिल गया, यहाँ पर बोतल होल्डर हो गया, ट्विटर आपको यहाँ पर मिल जाता है, और इस जगह आपको इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट सारा चीज़ जाता है मिल। पहले जो आता था ना फॉर्च्यूनर 4x4, उसमें JBL का 11 स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता था, मतलब यहाँ पर भी स्पीकर, यहाँ पर भी स्पीकर और सब वूफर भी बूट में मिलता था। लेकिन अब जो है भाई यही चीज़ टोयोटा वालों ने फॉर्च्यूनर से कटआउट कर दिया है, नॉर्मल आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं, चारों डोर्स के ऊपर 4 स्पीकर, जैसे फ्रंट में वहाँ पर हो गया और रियर वाले डोर में आपको यहाँ पर मिलता है। और ट्विटर जो है वो आपको मिल जाता है इस जगह, एक यहाँ पर, दूसरा आपको यहाँ पर। तो ये चीज़ भाई टोयोटा वालों ने यार सही नहीं किया, मतलब जो इंफोटेनमेंट सिस्टम का मज़ा था ना म्यूज़िक व्यूजिक का, वो भाई ख़त्म कर दिया। वो RBM फोल्ड अनफोल्ड हो जाएगा, यहाँ से एडजस्ट करना है वो भी अपना हो जाएगा यहाँ से। इस जगह आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करना है, उसका कंट्रोल मिलता है। ये होगी अपना टेलगेट, ओपन करना है बंद करना है उससे रिलेटेड, फ्यूलिड ओपन करना है, बोनेट ओपन करना है भाई, ये जो चीज़ है इसमें आपको सेंसर वाला नहीं मिलता है, यहाँ से अपना ओपन होता है। 80 लीटर का आपको टैंक कैपेसिटी मिलता है, मतलब हाथी वाथी वाला जो साइज है ना वो चीज़ मिल जाता है। लेकिन अंदर इन करने के लिए ये जो चीज़ है भाई, यही तो चीज़ है जो SUV फील कराता है कि आप भाई किसी गाड़ी पर बैठ रहे हो। लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का मिलेगा। इस जगह आपको मिल जाता है इस MID को कंट्रोल करने के लिए, ये जो है अपना इस 8 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल। इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल यहाँ हो गया, ऑटो हेडलाइट का कंट्रोल इस साइड, आपको ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर का कंट्रोल, इतना सा चीज़ मिलता है इस स्टेयरिंग व्हील के आसपास। इसकी एडजस्टमेंट आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में हो जाती है। नीचे साइड में आपको डुअल जोन क्लाइमेट वाला AC का कंट्रोल मिल जाता है, यहीं से आप रियर वाला भी ऑन ऑफ कर पाओगे। रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, इन सब का कंट्रोल मिलता है, और ऑटोमेटिक AC तो भाई मिलना है ही। ये हो गया अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारा चीज़ मिल जाता है आपको। लेकिन ये ना जो है अपना भाई वायर के थ्रू होता है कनेक्ट। ये हो गया अपना हज़ार लाइट का कंट्रोल, AC वेंट्स, फैन स्पीड कम ज़्यादा करना है वो चीज़ कर लो, टाइम वाइम यहाँ पर आपको बता देगा भाई। ड्राइवर साइड वाला और को पैसेंजर साइड वाला आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलता है, चाहे कोई से भी फॉर्च्यूनर ले लो, 2x2 लो, 4x4 लो, लेजेंडर लो, ऑटोमेटिक मैनुअल कोई से भी ले लो। नीचे साइड में आपको मिल जाता है DAC, मतलब डाउन वाला जो होता है हिल असिस्ट फीचर, जो समझ लो भाई वो चीज़। ये है अपना फोर व्हील ड्राइव का सारा सिस्टम, H2 करना, H4 करना, लो 4 लगा देना है, पुश करके लगा दो। और यहाँ पर हो गया 12 वोल्ट 120 वाट का चार्जिंग सॉकेट, एक और USB आपको सॉकेट मिल जाता है इसे कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा जो है सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया, जिसके ऊपर फॉर्च्यूनर लिखा हुआ मिलता है, कूल्ड ग्लो बॉक्स का ये चीज़ करता है काम। तो ये अपर हो गया, और नीचे साइड में लोअर मिलता है, इसके अंदर लाइट भी आपको जाएंगे मिल। ये है 6 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर, ये देखो भाई घुमा दो जिधर घुमाना है वैसे घूम सा जाता है, मतलब क्वालिटी जो है वो चीज़ अभी फॉर्च्यूनर में आपको दिखने वाली है नहीं, इस प्राइस पॉइंट पर आपको अच्छे खासे क्वालिटी और गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ये मोड्स मिल जाते हैं। IMT नॉर्मल साइज का सिस्टम भाई, ऐसा नहीं है कि क्लचलेस गाड़ी हो।
लेकिन बस नाम का दे देते हैं IMT। ये हो गया अपना 4x4 इंगस डिफरेंशियल लॉक का हो गया, ये हो गया अपना ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड। यहाँ पर आपको चाबी रखने के लिए स्पेस मिल जाता है भाई, मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेदर वाला अंदर साइड में स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, रीडिंग लैंप आपको LED वाला मिल जाता है, यहाँ पर वैनिटी मिरर विथ लाइट मिल जाता है, इस साइड भी आपको वैनिटी मिरर विथ लाइट मिल जाता है। तो फीचर्स जो है भाई मोटा मोटी इतना मिलता है, ये देख लो इतना सा। यहाँ पर भी सॉफ्ट आप पर मतलब तरस खा जाते हैं टोयोटा ब्रांड वाले, सॉफ्ट मटेरियल दे देते हैं, बाकी टोटल आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। 7 एयरबैग्स मिलते हैं आपको सारे वेरिएंट में, चाहे टॉप लो, बेस लो, कोई सी भी लो। MID यार बहुत लोगों को एनालॉग वाली पसंद है, आप बताओ आपको कौन सी पसंद है। एनालॉग वाला आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, एनालॉग में टैकोमीटर, इंजन हीट से रिलेटेड वार्निंग, और इसे आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप माइलेज वाइलेज जो भी चीज़ आपको देखना भाई, मतलब TPMS जैसी चीज़ नहीं मिल रही है अभी तक फॉर्च्यूनर में। ये देख लो क्या माइलेज, कैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, उन सब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आगे जाओ सेटिंग्स मिल जाएगा, सेटिंग्स वेटिंग्स में मतलब ज़्यादा कोई मतलब फीचर्स मिलता है नहीं। डिजिटल भले ही आपको स्पीडोमीटर यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन पता नहीं आ नहीं रहा, वैसे डिजिटल आता है इस जगह। तो फ्रंट साइड से भाई देख लिया सारा फीचर्स आपने, मतलब बैठने पर तो लगता है कि किसी ऊंचे से हाथी वाथी पर भाई उसकी सवारी हो रही होगी अपनी। अब ये जो एडजस्टमेंट है ना सीट की इलेक्ट्रिक वाली, ये सिर्फ ड्राइवर साइड ही नहीं मिलता है आपको ना, को पैसेंजर साइड भी मिलता है। ये आ गया मैं पीछे साइड, इसके यहाँ पर देख लो इस साइड भी आपको सेम चीज़ मिल जाता है, और हाँ लाइट भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे नीचे साइड। पीछे साइड वाले सीट पर आप जाते हो, यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स देना चाहिए भाई, बट मिलता है नहीं। ये है अपना डोर लीवर, इस जगह विंडो से रिलेटेड कंट्रोल, वन टच डाउन मिल जाएगा, यहाँ पर भी लेदर मिलता है। देखो इसका जो सीट का कलर है वो थोड़ा अलग आपको मिलता है, ऐसे लेजेंडर लोग है तो थोड़ा रेड रेड मैरून कलर का जो इंटीरियर है वो चीज़ मिलता है। 12 वोल्ट 120 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और कोई वैसा यहाँ पर भाई चार्जिंग सॉकेट के नाम पर आपको नॉर्मल मतलब USB भी नहीं मिलता है, और ना टाइप सी वाला मिलता है। ये हो गया अपना मैगजीन होल्डर, और इस जगह एक आपको हुक मिल जाता है, सेम आपको मैगजीन होल्डर और एक हुक मिल जाता है। अब अगर फीचर्स देखोगे ना इसमें और टाटा सफारी में, तो भाई आसमान ज़मीन का फर्क, मतलब टाटा सफारी जो है उसमें अच्छे खासे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स वीट्स, मतलब उसमें बड़े से साइज का सनरूफ, इनोवा अगर हाईक्रॉस को आप हटा करके भी देखते हो तो। यहाँ पर भी आपको AC वेंट्स का मतलब यहाँ वाले पैसेंजर्स के लिए कंट्रोल मिल जाता है, लाइट वाइट आपको LED वाला मिल जाएगा, और क्या रह गया, हाँ ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे। तो फीचर्स भाई उतना कुछ खास इसमें दिखाने लायक है नहीं। यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाएगा, 3 आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तीनों एडजस्टेबल हैं, और ये जो सीट है आगे पीछे भी होता है, तो भाई हार्ड है यार थोड़ा, तो ये चीज़ आपको मिलता है। बाकी ओस बॉस मोड जो है वो भाई फॉर्च्यूनर वालों को नहीं मिलेगा, बस सिंपल सा मिलता है, हाइट एडजस्टमेंट वाला जो है सीट बेल्ट भी मिल जाता है। इंजन की बात करते हैं, 4x4 लेते हो तो सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है, 4x2 लेते हो तो पेट्रोल इंजन का भी मिलता है। डीजल इंजन जो है वो अपना 2.8 लीटर का मिलता है, और पेट्रोल इंजन लेते हो वो मिलता है 2.7 लीटर का। तो ये इंजन का बोनेट गया ओपन हो, भाई वेट बहुत ज़्यादा है यार, मतलब हैवी है यार इसका बोनेट जो है ना इंजन का, ये देखो मतलब सिंगल हाथ से उठना मुश्किल है, वैसे पैडिंग वैडिंग मिल जाता है। तो ये इंजन 205 PS का पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर करेगा, अगर आप लेते ऑटोमेटिक तो 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क डिलीवर कर देता है। तो असल जो है टोयोटा वालों का इंजन और फॉर्च्यूनर की रोड प्रेजेंस, इसी वजह से भाई बंदे ये गाड़ी लेते हैं। बाकी आप बताओ इतने प्राइस पर आप अगर लेते हो तो भाई कौन सी गाड़ी लेते हो, काफ़ी कम ही बंदा होगा जो फॉर्च्यूनर को छोड़ेगा, मैक्सिमम जो बंदे हैं वो भाई इसी गाड़ी की तरफ रुख मोड़ लेते हैं, या फिर मोड़ लेंगे, मैं भी रहूँगा तो मुझे भी भाई बहुत अच्छी लगती है, इसमें कोई डाउट नहीं। बल्कि फीचर्स वीचर्स मिले या ना मिले, लोगों को दिखाने वाली जो गाड़ी है वही टोयोटा फॉर्च्यूनर काम करती है। रोड पर लेके चलते हो तो भाई चार बंदे मुड़ मुड़ कर देखते हैं इस गाड़ी को। तो चलो अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ बी सेफ।